माफी चाहेंगे, नेटवर्क एरर की वजह से वीडियो बीच में रुक गया था। अब फिर से यहाँ पर दिखा देते हैं कहाँ से वीडियो रुका था पता नहीं, लेकिन यहाँ पर देखो ये तोड़ने का विधि समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पर देखो 6x² - 4x था प्लस 9x - 6, तो इसमें क्या किए हम 6x - 4x में 6 और 4 दोनों 2 के पकड़ा में आते हैं, तो ये 2x को ले लिए। क्यों x को? क्योंकि यहाँ पे 2x था, यहाँ 1 ही x था, तो 1x को ले लिए। अब यहाँ पर 2 का पहाड़ा 3 बार बार पढ़े तो 2 दिया 6, और ये 2x था, 1x दिए तो 1x दिए। ठीक, प्लस ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर 2 × 4 और x तो बाहर ले लिए थे, तो यहाँ पे x नहीं बचा। उसी तरह 9x - 6 में 9 और 6 जो है 3 के पहाड़ा में आता है, तो 3 का पहाड़ा 3 मरतबा पढ़ेंगे तो 9 आएगा, और प्लस माइनस माइनस 3 × 6 हो गया, तो ये फिर हो गया 2x + 3 के बाहर वाले को एक साथ लिख दिए, और 3x - 2 अंदर वाले को एक साथ एक बार लिख दिए। ठीक है, और इस तरह से ये गुणनखंड हो गया। चलते हैं अगला एग्जाम्पल की ओर, अगर जो नहीं लिखे हो फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो, और स्क्रीनशॉट करने के बाद इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, अब आगे हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो होगा लास्ट होगा फैक्टराइजेशन का, और इसी टाइप से तुम लोग भी कोशिश करोगे तो आराम से बन जाएगा। 3x² - x + 4 इसको हमें सपोज गुणनखंड करना है, 3x² - x और -4, ठीक है, इसको गुणनखंड करना है। अब देखो यहाँ पर हम लोग पहले क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट और लास्ट वाला को मल्टीप्लाई करते हैं। पहला रूल तो यही कहता है कि सबसे पहले और सबसे लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो पहला और लास्ट वाला को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई के दरमियान क्या होता है, जैसे 3 को और पकड़ कर किससे गुणा करेंगे, -4 से, मतलब ये फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 4 = 12 होगा, और ये देखो प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसी 12 को इसी 12 को ऐसे तोड़ना है कि -1 आ जाए, तो ये तो टूटा ही हुआ है ना। देखो 3 - 4 करोगे तो बोले इसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस, और इसके पहले माइनस, तो इसको क्या करेंगे हम लोग 1 लिख देंगे, घटा देंगे, बड़ा कोण 4 के पहले क्या है माइनस, तो यहाँ पर क्या दे देंगे माइनस, इसका मतलब कि माइनस। अब सोच रहे हो कि माइनस कहाँ से आ गया, ये यहाँ पर तो एक है नहीं, अरे यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि एक है। हम लोग क्या है 1 × x को ये 1x नहीं लिखते हैं, 1 × x = 1x नहीं, बल्कि केवल x लिखते हैं, यहाँ अंडरस्टूड होता है यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन हम लोग अच्छा नहीं दिखता है इसलिए 1 नहीं लिखते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर कितना था, 1 था। तो अब चलो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3x², अब देखो यहाँ पर 3 - 4 लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर प्लस 3x लिख लो, और यहाँ पर -4x लिख लो, और ये -4। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर देखो ये कॉमन भी लेना बहुत आसान है, ये 3 यहाँ है तो यहाँ भी 3 है, तो 3 फटाक से ले लो, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, तो 2x यहाँ, 1x यहाँ है, तो 1x भी ले लो। अब यहाँ पर 3 जो है खत्म हो गया, x खत्म, तो क्या बचा यहाँ पर 3 खत्म, x दो ठो था, एक ही ठो खत्म हुआ है, इसका मतलब है कि 1x तो नहीं गया, और ये देखो 3x था पूरा का बाहर ले लिए, इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं बचा, केवल कितना बचा, 1 बचा। और यहाँ पे भी देखो माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस कॉमन लो, और ये 4 है, और यहाँ पे भी 4 है तो 4 ले लो, x यहाँ पर है लेकिन यहाँ पे है क्या, नहीं है ना, x नहीं लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, x, केवल x, देखो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और 4 बाहर ले लिए तो केवल x बचा, फिर उसी तरह माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 हाँ ठीक है, तो कितना बचा, 1। अब ब्रैकेट वाले को एक बार लिख दो और बाहर वाले को एक बार इकट्ठा करके लिख दो, तो 3x - 4 हो गया बाहर वाला ये, और x + 1 हो गया अंदर वाला, और इस तरह से ये गुणनखंड कंप्लीट हो गया। तो ये था गुणनखंड का क्लासेज, और इस तरह से हम लोग करते हैं गुणनखंड को, तो ये गुणनखंड यहाँ पर खत्म हो गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे गुणा करने सीखेंगे, गुणा मतलब गुणनखंड मतलब तोड़ना, तो गुणा करने भी तो सीखना चाहिए। गुणा कैसे करेंगे, हम लोग गुणा के बारे में जिक्र करेंगे, तो जो लोग
इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हो, कॉपी में लिखना चाहते हो, स्क्रीनशॉट कर लो, पीछे से भी लिख सकते हो। अभी इसको हम फिलहाल डिलीट करेंगे। तो उम्मीद है तुम सब स्क्रीनशॉट ले ही लिए होगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, गुणा करने सीखते हैं कि कैसे हम लोग गुणनफल ज्ञात करते हैं, मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, उसके बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन करने के लिए जिक्र करेंगे, देखो कैसे कैसे हम लोग गुणा करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ गुणा मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन जिसको बोलते हैं, अगला टॉपिक अगर हम लिखे मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इस मल्टीप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि देखो 2x-3 × x+2 ऐसा कोई एग्जांपल है, इसको मुझे गुणा करना है। ठीक है, तो देखो गुणा का रूल ये कहता है कि इसको एक ठो को पकड़ देना है पहले, ठीक है, और इसी को क्या करना है 2x से पहले इसमें गुणा कर देना है और फिर -3 से इसमें गुणा कर देना है और जो आएगा वही इसका गुणनफल हो जाएगा। देखो कैसे 2x को पकड़ लो, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया x+2, इसको नहीं करना है कुछ, ठीक है, इसको 2x को लेके इसके साथ गुणा करना है। माइनस फिर देखो 3 ले लो और इसको फिर उसी से गुणा करोगे। पहला स्टेप पता चला, गुणा करने का पहला स्टेप ये होता है कि जैसे इसको पकड़ लो, इसमें गुणा करो, फिर इसको पकड़ो और इसी में गुणा कर दो। ठीक है, मजाक लग रहा है ना, मैथ्स एकदम मजाक की तरह ही पढ़ना है, ज्यादा सीरियस नहीं होना है, मैथ्स बहुत आसान सब्जेक्ट होता है। ठीक है, भ्रम में मत रहो कि मैथ्स कठिन होता है, मैं बहुत आसान बना दूंगा, मेरा वीडियो को सिर्फ देखते जाओ, मेरे क्लास को करते जाओ ना, आसान हो जाएगा मैथ्स। अब देखो यहाँ पर, अब इसको गुणा करो, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया कि एक है ना, तो दो और यहाँ पर एक, तो दो एकम कितना हो गया, ये दो हो गया, और एक्स गुना एक्स करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर प्लस और यहाँ प्लस, तो प्लस प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो दो और ये दो, तो दो दुना कितना हो गया, 4x हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। माइनस देखो यहाँ है और ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस और 3 एकम कितना हो गया, 3। ठीक है, और एक्स अपने जगह पर बने रहेगा और माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस और 3 दुना कितना हो गया, 6। अब देखो तो इज इक्वल टू हो गया 2x² और यहाँ प्लस में 4 है, यहाँ माइनस में 3 है, तो 4 और दोनों देखो एक ही जाति के हैं, ये x है तो ये भी x है, ये x² है, ये जो है इसमें से जुटेगा घटेगा नहीं, और ये भी इसमें से जुटेगा घटेगा नहीं, जब भी जुटेगा घटेगा तो ये दोनों ही आपस में जुटेगा या घटेगा, क्यों, क्योंकि ये देखो 4x है तो यहाँ भी 3x, मतलब दोनों एक ही प्रजाति के हैं, ये 4x है तो ये 3x है, इसीलिए जब भी घटेगा या जुटेगा ये दोनों आपस में होगा, ना कि इसके साथ और इसके साथ हो जाएगा, अगर आप इसके साथ कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1, और x है तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, केवल x लिख देते हैं, -6। तो ये देखो हो गया इसका क्या, गुणा करने के बाद ये आएगा। और अगर गुणनखंड मतलब गुणा को ही तोड़ना तो होता है, अगर इसको तोड़ दोगे तो फिर यहाँ पर पहुंच जाओगे, देखो कैसे तोड़ कर दिखाते हैं, 2x² + x-6 है, यहाँ पर देखो 6 को तोड़ो तो 2 × 6 होता है ना, तो यहाँ पे ये देखो -6 है, यहाँ देखो 2×6 ये हो गया 12, -12, और इसको तोड़ के हमको +1 लाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो एक से पहले कुछ नहीं है, तो बीच वाला लाना है, मतलब 1 लाना है ना, तो इसको लाने के लिए हम लोग पहले क्या लिखते हैं, 1 × -12 काम नहीं बनेगा, -12 = 2 × -6 इसमें भी काम नहीं बन रहा है, लेकिन -12 = लिख सकते हो 4 × -3 और यहाँ काम बन जाएगा, 4 × 12 होगा और 4 में से 3 घटा लोगे तो 1 आ जाएगा, आएगा ना, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ ही जाएगा, तो यहाँ पर देखो काम बन जाएगा, तो ये देखो कितना हो जाएगा 2x² + 4x - 3x और -6। अब यहाँ देखो इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन ले लो, यहाँ जैसी कॉमन लोगे तो ये 2x हो जाएगा और ये x + 2 और ये -3 लोगे और x -2 हो जाएगा, कैसे, देखो
दो और चार, दो के बाहर में चार आता ही है तो दो ले लिए, यहाँ दो पे एक्स था, यहाँ एक पे एक्स था, तो दो पे एक्स को ले नहीं सकते, कम वाले को लेते, एक पे एक्स ले लिए, दो का पहाड़ा आप देखो एक पर पढ़ेंगे तो दो हो जाता है, यहाँ दो पे एक्स था, एक तो एक्स लिए तो एक तो बच गया है ना। और फिर देखो प्लस की जगह प्लस है क्योंकि प्लस 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 होता है और दो दूना चार, अब देखो एक्स एक तो होता है तो एक तो बाहर ही हो गया। अब देखो ये माइनस दोनों में है, माइनस कॉमन लिए तो माइनस जैसे कॉमन लेंगे तो ये देखो क्या हो गया, तीन के पहाड़ में छह आता है ना, तो तीन को लिए, एक्स इसके पास था इसके पास नहीं था तो एक्स नहीं लिए, जैसे तीन को लिए तो देखो माइनस माइनस ये प्लस हो गया और तीन ले लिए थे तो इसके पास केवल एक्स बचा, और देखो माइनस माइनस क्या हो गया ये प्लस, और तीन दूना कितना होता है छह, ठीक है। तो ये देखो ये वाला एक ही आ गया तो एक साथ लिख दो, यानी कि ये वाला जो है बाहर वाला एक साथ लिखो, अंदर वाला एक साथ लिखो, देखो तो यही था ना, इसका मतलब है कि इसको गुणा करेंगे तो इतना होगा और इसी चीज को अगर गुणनखंड करें तो इतना हो जाएगा। इतना आसान होता है मैथ, इतना सरल होता है गणित, हर चीज का कुछ ना कुछ रिलेशन होता है और हर चीज को हम लोग आसानी से यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं एकदम मजाक की भांति। अगर गणित को दिल से पढ़ोगे तो सचमुच बहुत मजा आएगा और गणित बनाने में बड़ा मजा भी आता है और मजाक मजाक में बहुत सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ये देखो अगर जो स्क्रीन शॉट मारना चाहते हो मार सकते हो, ये गुना है, अब देखते हैं एक और गुणा को, एक और गुणा को करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, गुणा कैसे होता है और फिर हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। अभी फिलहाल जो है जनरल विधि से हम गुणा करने सिखा रहे हैं। अब देखो एक गुणा ऐसा ले लो 2x + 2 × 3x - 3, इसको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, ठीक है। तो इसको गुणा करोगे तो कैसे करोगे, क्या नियम बताए, दो एक्स से एक बार इसमें पूरे में गुणा कर देना है, फिर क्या करना है इस दो से इसमें गुणा कर देना, मतलब इसी से इन दोनों से बारी बारी इसी में गुणा कर लेना है, हो जाएगा काम, है ना। मतलब रूल यही कहता है कि एक बार इसको लेकर और इसमें गुणा करेंगे, फिर एक बार इसको लेकर इसी में गुणा करेंगे, बस इतना ही काम करना है और आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखो कैसे, ये 2x है यहाँ पे 2x लिख लो, और ये देखो ये कितना हो गया 3x - 3, हम बोले कि इसको ले लो और इसको हूबहू यहीं पे लिख लो, ठीक है। अब ये प्लस टू हो गया, प्लस टू ले लो और इसको फिर वही बात यहीं पे रखो 3x - 3। अब देखो दो का तीन से गुणा करो तो दो तो यही कितना हो जाएगा 6, और x गुणा x तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दो तिहाई छ और एक्स गुना एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर हुआ ना, बिल्कुल। अब देखो दो ये सॉरी इसके पहले प्लस इसके पहले माइनस, सबसे पहले प्लस माइनस माइनस, अब देखो दो तिहाई कितना होता है 6 और यहाँ एक्स है नहीं यहाँ पे एक्स है तो ये एक्स हो जाएगा। अब देखो प्लस यहाँ भी प्लस तो प्लस प्लस क्या हो गया प्लस, और दो तिहाई फिर से कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्लस और ये माइनस तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और दो तो ये कितना हो गया 6। तो अब देखो इसको जब हम लोग आगे करेंगे तो ये देखो ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये तो कट जाएगा तो इसका गुणनखंड गुना कितना हो गया 6x² - 6, ये हो गया इसका गुणा, समझ में आई बात। तो इस तरह से हम लोग गुणा को करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो सही बात है, लाइक करो, और नहीं आ रहा है तो कमेंट करो, जहां समझ में नहीं आ रहा है फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इस तरह से ही गणित को हम लोग क्या करेंगे, बहुत आसानी से एकदम आसानी से जिसको कहते हैं सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये था आज का क्लास, तो आज का क्लास को यहीं पे रोकेंगे, अगर किसी को कोई डाउट है तो उसको करना, लेकिन एक्सरसाइज 2.4 एनसीईआरटी का जो है वो सोल्व हो जाएगा तुम लोगों से, सोल्व करना 2.1 2.2 और 2.4 2.3 को, अभी 2.2 सोल्व हो जाएगा तुम सबसे, उसके बाद 2.3 नहीं सोल्व होगा उसको बताएंगे हम, 2.4 को सोल्व करना,
उसके बाद हम और भी चीज़ सिखाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आज के क्लास पे यहीं पे रोकते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। गुड डे।